हेलो बच्चों, तो गाइस फाइनली जो है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट जो है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट रिलीज कर दी गई है। आप इस वेब पोर्टल पे जो है जाके चेक कर सकते हो, या फिर अगर आपको इन सब का पीडीएफ लिस्ट चाहिए तो एक नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया, उसको ज्वाइन कर सकते हो सीयूटी यूजी वाले बच्चे। तो चलिए गाइस देखते हैं अभी क्या सारा प्रोसेस है। फाइनली आपकी जो यूजी की जो मेरिट लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट है, वो रिलीज कर दी गई है। आपका जो पेमेंट का जो लिंक है वो जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा, वो 23 तारीख को एक्टिवेट हो जाएगा, 23 अक्टूबर को, और जो है 30 अक्टूबर तक एक्टिवेट रहेगा। तो अभी जिन बच्चों का एक्टिवेट नहीं हुआ है, डोंट वरी गाइस, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अभी मैं आपको कुछ कोर्सेज के दिखाने वाला हूँ, जैसे कि बी फार्मेसी के अंदर किन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, एंड यहाँ इस कोर्स के यार काफ़ी ज़्यादा डिमांड है बच्चों की, ठीक है। हालांकि देख सकते हो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो 253 मार्क्स यहाँ पर रहा है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो है मार्क्स काफ़ी लो आया है, तो बहुत सारे बच्चों को जो है हम गवर्नमेंट कॉलेज भी अलॉट कराते हैं। तो यार इसके लिए हमारा जो है सीयूटी गाइडेंस प्लान आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर जो है हम आपको ऑलमोस्ट गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन करा देते हैं, फार्मेसी वगैरह कोर्सेज के अंदर, ठीक है। काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा हो, फीस काफ़ी कम हो, ठीक है। हमारे पास हर स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं। उसके बाद यार EWS की मैं बात करूँ तो 234 जो है कट ऑफ रहा है। उसके बाद हमारा OBC कैटेगरी आता है, 225 रहा है। उसके बाद SC कैटेगरी की मैं बात करूँ तो यार 200 कट ऑफ रहा है वहाँ का, 200.13। उसके बाद आता है हमारा ST कैटेगरी, तो उसका कट ऑफ रहा है 203, ठीक है, इन फार्मेसी। ओके, ये यार ये फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है, ये लास्ट नहीं है, ठीक है। स्पेशली जो है 356 वाले बच्चे हैं ये यहाँ पर नहीं रहने वाले। ओके, ये बच्चे क्या करेंगे, ये DU जामिया वगैरह में इनका एडमिशन हो जाता है जनरली, तो ये ऐसे कॉलेजों में नहीं रहते गाइस, डोंट वरी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। उसके बाद मैं कुछ और कोर्सेज़ की बात करूँगा, जैसे कि स्टैटिक कोर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, ये बच्चे भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि हम आपका जो है काफ़ी लो रैंक पे आपका एडमिशन करा देते हैं। काफ़ी सारे बच्चों का इसके रिगार्डिंग मेरे को अभी मैसेज आ रहा था कि भैया जो है ये हमें दिख नहीं रहा है, तो यार इसका मेन रीजन ये है कि वहाँ से अभी ठीक से अपलोड नहीं हुआ है। रात को 12 बजे तक इस इश्यू को ठीक कर दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तो यार अंडर ग्रेजुएट बी फार्मा लेटरल इंट्री की भी काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड है। यहाँ पे जो है साइकोलॉजी और जस्ट लाइक फिजिक्स और एंड अदर अदर कोर्सेज की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, ठीक है। PGO साइकोलॉजी है, तो गाइस यहाँ पर तो यार कट ऑफ काफ़ी कम दिख रहा है मेरे को, 200। जनरल वाले बच्चों के लिए 172 रहा है। ओ माय गॉड, EWS के लिए सिर्फ 74। उसके बाद जो है OBC के लिए 121। उसके बाद SC के लिए 109 रहा है सिर्फ, ओ नहीं नहीं 88 सिर्फ, 55 नंबर रहा है ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। यार स्पेशली ना बहुत सारे कॉलेजों में जो सीटें वैकेंट है, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में, तो उसके लिए जो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, एक व्हाट्सएप ग्रुप UG का बनाया गया ऑलरेडी, उसमें भी इनरोल कर सकते हो। तो आपको जो है वहाँ पे सारी के सारी अपडेट दी जाती है कि किस कॉलेज में कितनी सारी सीटें वैकेंट है। और यार एक मैंने नया चैनल शुरू किया कमल इंस्पायर्स, ठीक है, उसके अंदर भी हम स्पेशली एजुकेशनल पॉडकास्ट निकालेंगे जो कॉलेजेस के जो बच्चे होते हैं, ठीक है। आप लोगों में भी कोई अगर इंटरेस्ट हो कंटेंट क्रिएटर या फिर यूट्यूब वीडियोज के अंदर, तो वो भी व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है, रिगार्डिंग क्रिएशन द यूट्यूब वीडियोज। ओके गाइस, तो यार यहाँ पे जो है काफ़ी सारे कोर्सेज की आ चुकी है। आपको जो है ये लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि किस किस कोर्स की कितनी कट ऑफ रही है। अब भैया हमें फ़ीस कैसे पे करना है, तो इसके लिए देख सकते हो यहाँ पे ये दिख गया है ना UG एडमिशन फ़ीस लिंक, ये सीधा हमें पोर्टल पर ले जाके छोड़ देगा। तो यार ये हमारा पोर्टल है, ठीक है। अब जैसे हम पोर्टल पर जाते हैं, सो गाइस सबसे पहले अपन जो है कुछ कोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यार अब अगर मैं कुछ कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो है ये फीस स्ट्रक्चर इस प्रकार से कंडक्ट होता है।
यार प्यारे बच्चों, पहले अपन थोड़ा फीस स्ट्रक्चर जैसा कि हम देख रहे हैं अभी भी, बी फार्मेसी जैसे कोर्सेज के लिए 13,150 रुपये है, डी फार्मा के लिए 11,150 रुपये है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर, मतलब इतना कम फीस स्ट्रक्चर कि आप, मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, इतना कम फीस स्ट्रक्चर, दिस इज अनबिलीवेबल। 1700, 2000, 1900, 5000, 13000, 11000, यार इतना कम फीस स्ट्रक्चर। हालांकि आपको और भी बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, घबराए नहीं कि भैया इतने में ही हो गया 1700 में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले फ़ीस पे करने के लिए आपको लॉगिन बटन पे जाना है, ठीक है। जैसे आप लोग लॉगिन पे गए, ये आपको एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, यहाँ पर लॉगिन करेंगे 7185611, लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे हम जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये तो रजिस्ट्रेशन बेसिकली हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना एक्शन बटन जो दिख रहा है, ठीक है, एक्शन बटन जो दिख रहा है, इस पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो विड्रो का रहेगा इधर की साइड, और इधर की साइड आपको पे फीस का रहेगा, सीट फीस का रहेगा। तो आप जो है वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर सीट विड्रो कर सकते हो, जो भी है आपका, ठीक है। पे सीट पे ही क्लिक करना है आपको, विड्रो नहीं करना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं आपको, अगर कुछ बच्चों का है जिनका अलॉटमेंट आया है तो उनका मैं करके दिखाता हूँ आपको। ओके, सो डोंट वरी, ठीक है। आपको क्या करना है बेसिकली, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कर लेते हो, जैसे मैंने वो एक्शन बटन दिखाया था ना, तो वहाँ पे आपको फीस पे करने का ऑप्शन दिखेगा। एंड अगर आपका कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी है, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी वगैरह के लिए 13000 के आसपास है, वरना ऑलमोस्ट एवरेज कोर्सेज की फ़ीस तो काफ़ी कम है, 2000, 5000, 3000, ऐसे ऐसे कुछ है। और एक यूजी का व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है, जिन भी बच्चों के काफ़ी लो मार्क्स हैं उनको बिल्कुल घबराना नहीं है, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। एंड हाँ यार, अभी मतलब काफ़ी सारे राउंड्स आने वाले हैं, तो डोंट वरी, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, किसी ना किसी राउंड में हो जाएगा। जर्नलिज्म का भी यार काफ़ी अच्छा स्कोप है, और जो बच्चे जर्नलिज्म कर रहे हैं यार, जस्ट लाइक यूट्यूबर बनोगे तुम भी। जनरल कैटेगरी के अंदर 184 स्कोर रहा है जर्नलिज्म के अंदर, और सॉरी 140 रहा है, ईडब्ल्यूएस में 109 रहा है, 112 किस में रहा है, ओबीसी के अंदर एससी में 55 मार्क्स रहा है सिर्फ, सॉरी 26, ओके, देन एसटी के अंदर रहा है 50। तो यार जर्नलिज्म में भी, जर्नलिज्म भी आई थिंक इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा कोर्स मानता हूँ मैं इसको। देन उसके बाद मैं आपको कुछ बताता हूँ, फिजिक्स, फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यार 112 आई थिंक स्कोर रहा है इसका कट ऑफ, ठीक है। देन उसके बाद ईडब्ल्यूएस के अंदर दो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 107 रहा उसका। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 100 मार्क्स रहा है, एससी में 89 रहा है, एसटी में 98 रहा है, ठीक है। इस प्रकार से यार जिन भी बच्चों के काफ़ी लो मार्क्स हैं ना, वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपने लिए बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस ले सकते हैं। हालांकि हम आपसे कुछ काउंसलिंग चार्ज लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।